वापस सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे मडगावा एक्सप्रेस के बारे में, जो आपके गांव से निकले वो है मडगावा एक्सप्रेस। जब तीन दोस्त साथ में मिलते हैं ना तो सामने वाले का चौथा हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी आपको देखनी चाहिए और क्या मूवी आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। आज हम जानेंगे पाँच पॉइंट में, पूरे पाँच पॉइंट है आपके पास, पाँच पॉइंट की मुट्ठी बनाएंगे और आज हम लोग देखेंगे कि आगे क्या मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी स्टोरी के बारे में। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले कहूँ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है, बिल्कुल काजू कतली की तरह स्वीट है, सिंपल है और उसमें काजू भी हैं, तो आपको मज़ा आएगा। इसकी स्टोरी ये सामने ट्रेलर में देखा उतनी ही है और इसकी भी आज ज़्यादा कहूँगा तो स्पॉइल हो जाएगी। मतलब सिंपल स्टोरी है, तीन दोस्त का सपना था बचपन से गोवा जाना और चिकस्तान, लिटरली चिकस्तान ना, पर वो है ना किस तरह से है ना मुर्गी की हालत बन जाती है उनकी हलाल वाली, वो देखने में आपको मज़ा आएगा। और ये है उसकी मोस्ट बेसिक स्टोरी। अब ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, इसका एक्शन। इसका एक्शन कहेंगे, इसका जो फाइटिंग वगैरह का है, इसमें ये कॉमेडी मूवी है और ये लास्ट पर बेस्ट है तो उसमें इतना एक्शन नहीं है, पर जितना भी फाइटिंग वगैरह वाइन सिखाया है वो देख के आपको एक सबसे हंसी आती है। जिस तरह से वो शो किया गया है तो आप कहेंगे शोकेड, मज़ा आ गया देख के, आपकी अच्छा एक्शन है, एकदम स्मूथ है, मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ ना मिले तो मज़ा तो मिलना चाहिए, क्योंकि मूवी के पैसे इसलिए दिए हैं हम लोगों ने मूवी टिकट के। खैर अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है कॉमेडी। इसकी कॉमेडी, ये कॉमेडी मूवी है तो उसकी जो कॉमेडी है वो हर अगर काम नहीं करेगी तो बवाल हो जाएगा, पर इसकी कॉमेडी काम करती है और इसका बवाल हो जाता है। आप कहेंगे कॉमेडी बिल्कुल एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, ना ज़्यादा है ना कम है, बिल्कुल स्वाद अनुसार है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरा हाथ बड़ा है और क्या बोला मैं, पर ना कहीं जगह थोड़ा बहुत अपने को ज़्यादा लगता है, पर ना एट दी एंड मूवी अपने को पेस डाउन करती है, पेस अप करती है और मूवी की कॉमेडी परफेक्ट रहती है, उस हिसाब से चेंज होती है, तो कहूँगा कॉमेडी टॉप नॉच है। अब बात कर लेते हैं चौथे के बारे में, क्या नहीं चौथा पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट है एक्टिंग। प्रतीक गांधी और देवेंद्र शर्मा ने चुरा लिया है स्क्रीन का जो लाइट है ना, पूरी चुनने का है ना, अगर आप फोकस चुरा लेते हैं, क्योंकि जब ये दोनों स्क्रीन पे आते हैं आप पर्सनली देखने का अभी तक मज़ा आता है, सूट से लेके इनकी डायलॉग्स तक सब देखने में मज़ा आता है। और बाकी लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, खासकर सपोर्टिंग कैरेक्टर उपेंद्र सर ने, जो इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है पर अगर देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इन लोगों से सीनियर और वो दिखाते हैं, मराठी एक्टर हैं, वो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और बाकी नूरा फतेह और जो अविनाश तिवारी थे वो थोड़ा सा यहाँ पे दब से गए, क्योंकि ये लोग इतने बड़े बड़े एक्टर के सामने ये लोग छोटे छोटे लगते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े होते हैं तो नूरा भी है ना अपनी एक्टिंग नहीं दिखा पाती। खैर बात कर लेते हैं इसके पाँचों पॉइंट के बारे में, बिना ज़्यादा अकवर्ड हुए। इसका स्क्रीन पे और एंड का मैसेज, इसका जो मैसेज है वो दोस्त के बारे में, किस तरह से आप जिंदगी के जो है थे लग जाते हैं और अगर दोस्त ना हो जिंदगी में तो जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अकेली लगती है। और मैं कहूँगा कि हाँ ये हिट करती है थोड़ी बहुत, इसका जितना भी मैसेज था पर इसमें इतना फोकस नहीं किया गया, पर इसका जो मेनली था जो स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा परफेक्ट लगा मेरे को, जिस तरह से स्क्रीन पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक पेस मेंटेन करता है, ज़्यादा ना स्लो होता है ना ज़्यादा फास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल लगा मेरे को और मज़ा आएगा आपको। और अब बात कर लेते हैं एक बात की कहीं आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें कोई किसिंग सीन नहीं है, इसमें कोई सेक्स सीन नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत न्यूडिटी वाली सीन्स हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि इसमें न्यूडिटी और ड्रग्स के बारे में बात की गई है। आपकी फैमिली में थोड़ा बहुत अगर चलता हो तो आप अपने पैर दीजिए, मैं हाथ पर आपके पैर पड़ता हूँ, क्या इतनी भाई साहब इतनी चिकित्सक कहाँ से लाया। खैर और कहूँगा कि है ना आप अपने हिस्ट पर जाइएगा, अपनी फैमिली के साथ देखते जा रहे हैं। तो और ये था मेरा रिव्यू मडगांव एक्सप्रेस को लेके, मज़ा आता है, कॉमेडी की मूवी है और ऐसी मूवी है ना आनी चाहिए हफ्ते में या फिर महीने में कम से कम एक बार, ताकि हंस के थोड़ा सा आप अपना डिप्रेशन दूर कर सकें। दारू का गिलास कब तक आपको है ना डिप्रेशन से बचाएगा, जब तक के लिए मैं तो पीने जा रहा हूँ। आप बताइए आप मतलब मूवी देखी तो कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो क्या आप दारू पीते हैं। खैर बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, जब तक के लिए सीटें लग जाए।